झारखंड की राजधानी रांची के वार्ड नंबर 29 में कडरू कुम्हार टोली एक बस्ती है, जहां पर 150 परिवार के लोग रहते हैं और यहां 5 साल से कम उम्र की बच्चों की संख्या 49 है। यहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है और आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने के कारण महिलाओं और बच्चों को कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। टीकाकरण के लिए 3 किलोमीटर दूर सदर हॉस्पिटल जाते हैं। इन्हें बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस बस्ती में उतना शिक्षित नहीं है, जितना भी यहाँ देखिएगा सब कोई वही काम करते हैं। कोई दूसरों का घर में खाना बनाते हैं, कोई बर्तन धोते हैं, कोई झाड़ू पोछा करते हैं। सबको बहुत दिक्कत होता है। जब मेरी बेटी थी पेट में, उस टाइम हमको कितना दिक्कत होता था, बहुत दूर जाना पड़ता था सुई दिलवाने के लिए। इस बस्ती के लोग जितने भी गर्भवती महिला सब है, कोई कोई तो नहीं भी लगवाती है। यहाँ आंगनवाड़ी नहीं है, अगर आंगनवाड़ी रहता तो बहुत कुछ सुविधा हम लोगों को मिलता। मेरा मायके में जो आंगनवाड़ी है, मैं वहाँ देखती थी कि सभी बच्चे कितना अच्छा से स्कूल जाते थे। आंगनवाड़ी में खिचड़ी मिलता है, दाल भात मिलता था, अच्छा अच्छा पढ़ने के लिए मनोरंजन होता था। जब से यहाँ शादी होके आए हैं, सोचने लगे कि यहाँ आंगनवाड़ी क्यों नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऐसे ही खेल चलते हैं, घूम चलते हैं ना। उनको अगर आंगनवाड़ी रहता तो अच्छा अच्छा खाना भी मिलता, सब चीज़ मिलता, थोड़ा रुचि भी होता पढ़ने के लिए। यहाँ के जो बच्चे हैं वो ठीक से स्कूल भी नहीं जाते हैं। लाडली योजना अभी तक नहीं बना है। मेरा बेटी इतनी बड़ी हो गई, 6 महीना की होने गई है, लेकिन अभी तक नहीं बना है। अगर आंगनवाड़ी यहाँ होता तो अभी तक बन जाना चाहिए था। अशिक्षित होने के कारण कटरू कुम्हार टोली के लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र की मांग कभी नहीं की, लेकिन मेरे कहने पर निकिता एवं मोहल्ले वालों ने भी आज आंगनबाड़ी केंद्र की मांग कर रहे हैं। वार्ड पार्षद भी स्वीकृति दे दिए हैं और हम सभी मोहल्ले वालों ने मिलकर उन्हें आवेदन दिया है। अतः आप सभी से अनुरोध करती हूं कि बाल विकास परियोजना के CDPO सुरभि सिंह को 9431312338 पर कॉल करें और दबाव बनाएं। मैं हूं निर्मला, रांची झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।